लास्ट क्लास वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द गॉस लॉ, मेनली द एरिया वेक्टर, व्हाट इज फ्लक्स एंड व्हाई वी से दैट फील्ड वेक्टर ई डॉट डी ए फॉर अ क्लोज सरफेस, दिस एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटिंग फ्लक्स. हाउ वी कंक्लूडेड दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग फ्लक्स. ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने समझे थे और फाइनली हमने गॉस लॉ को डिफाइन भी कर लिया था. दैट गॉस लॉ सेज नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस, दिस क्लोज सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस. क्लोज सरफेस नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट. हमने डिटेल में कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे कि कैसे गॉस लॉ को इस तरीके से एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया जाता है, कैसे हम उस स्टेटमेंट तक पहुंचे, हमने कैसे उसको सोचा. आज हम गॉस लॉ को अप्लाई करने से पहले उसके कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे जिससे एप्लीकेशन में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो. तो चलो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं. सबसे पहले हम गॉस लॉ का जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, वहीं से शुरू करते हैं. हमने पिछले क्लास में सीखा कि भाई ई डॉट डी ए रिप्रेजेंट्स फ्लक्स. क्या है फ्लक्स? नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द एरिया, स्मॉल एरिया डी ए. ई डॉट डी ए रिप्रेजेंट्स फ्लक्स और फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एरिया डी ए. ठीक, तो पहला पॉइंट हमने ये समझा था. उसके बाद हमने कहा कि अगर हम इसी ई डॉट डी ए को इंटीग्रेट कर दें, और ये जो सिंबल है ये क्लोज्ड सरफेस का सिंबल है, यानी ये इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस पे हो रहा है. तो हमने सीखा कि भाई अगर इसी एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट कर दें तो हम इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल. हाईलाइट कर लेंगे इसको. और अब ये सरफेस इंटीग्रल देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. इट रिप्रेजेंट्स फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ द क्लोज्ड सरफेस. ये सरफेस इंटीग्रल है और क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लक्स कमिंग आउट. फ्लक्स मतलब फील्ड लाइंस, टोटल फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस. ये आउट वर्ड फ्लक्स का मूवमेंट है, ये ध्यान रखना है कि ये फ्लक्स बाहर आ रहा है क्लोज सरफेस से. ठीक, अच्छा थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं. याद है कि हम लोगों ने इंटीग्रल ई डॉट डी ए को, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लाइन डेंसिटी से रिप्रेजेंट होती है, यानी लाइन डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो लाइन स्ट्रेंथ क्या थी याद करो, कि अगर एक कूलम चार्ज है तो 1/ε0 लाइन्स खींचेंगे, तो q कूलम चार्ज है तो q/ε0 लाइन्स खींचेंगे. और लाइन डेंसिटी क्या है? जितनी लाइन्स खींची किसी क्लोज सरफेस से उसको डिवाइड कर दिया उसी क्लोज सरफेस की सरफेस एरिया से. और जब हमने एक स्फेयर को लेकर ये केस देखा तो हमने पाया कि अरे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज ही रिप्रेजेंट कर रहा है. तो फिर हमने लाइन डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से रिलेट किया, उसके कॉन्सेप्ट को समझा. और हमने जब ई डॉट डी ए, अब ये क्या है? ये फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज सरफेस है. तो जब हमने ई की वैल्यू यहां रखी, डी ए यहां रखा, और ई डॉट डी ए का मतलब ई की वैल्यू, डी ए और एंगल बिटवीन देम. अब अगर आपने इस सरफेस को, छोटे से सरफेस को डी ए माना है और स्फेरिकल शेप लिया, क्योंकि स्फेयर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये कैलकुलेट करना समझना आसान है, तो स्फेयर लेंगे और फिर देखेंगे कि बाकी शेप्स पर लागू होता है कि नहीं. तो ई डॉट डी ए में हमने एक स्फेरिकल शेप ली, चार्ज क्यू अंदर है, एक छोटा सा एरिया इसका लिया डी ए, और देखा कि इसका एरिया जो है, एरिया वेक्टर, वो तो रेडियली आउटवर्ड होगा. स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज की रेडियली ही बाहर आ रही है, तो ई और डी ए के बीच का एंगल जीरो होगा, तो यहाँ कॉस जीरो लिख दिया.
इसके बाद क्यू और आर और ये सब कुछ कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, और बचा अंदर केवल डी ए, मतलब जिस क्लोज सरफेस को हम कंसीडर कर रहे हैं उसका पूरा एरिया इंटीग्रल डी ए रिप्रेजेंट करता है। तो हमने इसका पूरा एरिया 4πr² सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो सरप्राइजिंगली देखो 4πr² ये सब कैंसिल हो गया, यानी सिर्फ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा। आर स्क्वायर कैंसिल होने का मतलब क्या हुआ? हम कंक्लूड कर सकते हैं कि शेप एंड साइज 4πr² वॉज रिप्रेजेंटिंग शेप एंड साइज। तो आर स्क्वायर यानी कि एरिया तो कैंसिल ही हो गया, सिर्फ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा, यानी इसका मतलब ही नहीं है कि ये स्फेयर था या ये एक क्यूब था क्लोज सरफेस। जो चार्ज इसके अंदर था अगर उसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो हम फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस कैलकुलेट कर लेंगे। डजंट मैटर कि ये स्फेयर है कि क्यूब है, उसका कोई भी टर्म यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए है ही नहीं। तो हमने कंक्लूड किया कि फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज सरफेस इज सिंपली चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट्स इनक्लोज्ड चार्ज एंड इट डजंट मैटर वॉट शेप ऑफ द क्लोज सर्फेस इज टेकन और वॉट साइज ऑफ द क्लोज सर्फेस इज टेकन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसको हम देखो लॉजिकली भी समझ सकते हैं। अगर क्यू चार्ज इस स्फेयर के अंदर इनक्लोज है, ठीक है ना, और ये लाइन्स फील्ड लाइन्स बाहर आ रही हैं, तो जब स्फेयर है तो जितनी फील्ड लाइन्स बाहर आ रही हैं, अगर स्फेयर को और इस चार्ज को आप उठाकर एक क्यूब के अंदर रख दो तो जो स्फेयर्स जो चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं, इमर्ज हो रही हैं फील्ड लाइंस, वो तो इस क्यूब से सारी की सारी बाहर आएंगी ही, है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये क्यूब शेप अब बाहर है, जो फील्ड लाइंस स्फेयर से बाहर आई वो ही फील्ड लाइंस क्यूब से बाहर आएंगी। तो जो फ्लक्स लाइंस हैं वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सर्फेस है दैट विल रिमेन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सेम स्फेयर से भी और क्यूब से भी। फर्क कहाँ पड़ता है? अगर आप पास में हो तो लाइन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है यानी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर आप दूर हो गए तो लाइन डेंसिटी कम हो गई, लाइंस दूर दूर हो गई। तो जब आप उन लाइंस को आप एरिया से डिवाइड करोगे तो अब ये एरिया बड़ा हो गया, तो लाइन डेंसिटी कम हो गई यानी फील्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, और वो ट्रू है। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं वैसे वैसे फील्ड डिक्रीज करती है अपने स्ट्रेंथ में। लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट है और ध्यान रखने वाली है कि अगर आपसे कोई पूछे कि किसी चार्ज को हमने एक स्फेयर से इनक्लोज कर रखा है और तब मान लो कि कहें कि फ्लक्स इतना है और फिर वो कहें कि अगर उस स्फेयर को डबल कर दिया तो फ्लक्स कमिंग आउट विल चेंज टू, तो हमें ध्यान रखना है कि फ्लक्स विल नॉट चेंज, the lines of forces coming out from a smaller sphere will remain same from the larger radius sphere also. Even अगर वो कहते हैं कि इस sphere को एक cylindrical surface से enclose कर दिया या sphere को cylindrical surface से replace कर दिया तो flux coming out क्या हो जाएगा? तो cylindrical surface के अंदर भी अगर q charge enclosed था तो इससे जो flux आ रहा है वो q upon epsilon naught, spherical surface से भी अगर क्यू चार्ज इनक्लोज था तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही बाहर आएगा। तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि चार्ज इनक्लोज्ड अगर क्यू है तो फ्लक्स कमिंग आउट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, चाहे वो सरफेस क्यूब हो, चाहे वो सरफेस सिलेंड्रिकल हो, चाहे वो सरफेस स्फेरिकल हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे सवाल बनते हैं और कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है, तो ये पॉइंट्स नोट करो और दिमाग में भी नोट हो जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर मान लो कि कोई चार्ज अंदर ना होकर बाहर हो तो क्या होगा? देखो जो चार्ज इस चार्ज से जो लाइंस इमर्ज हो रही हैं, जितनी लाइंस इस सरफेस में एंटर करेंगी उतनी लाइंस बाहर तो आएंगी ही, तो फ्लक्स इन जो एंटर हो रहा है और फ्लक्स जो एग्जिट हो रहा है वो इक्वल होगा। अब इंटीग्रल डी ई डॉट डी ए क्या होता है? नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, नेट फ्लक्स, रिजल्टेंट फ्लक्स। अब अगर जितना एंटर हुआ उतना ही एग्जिट हुआ, तो जब फ्लक्स एंटर कर रहा होगा
तो ई डॉट डी ए, और जब फ्लक्स एग्जिट कर रहा होगा तो ई डॉट डी ए में साइन का डिफरेंस आएगा। कैसे देखो, अगर आप इस पॉइंट पर देखो तो ई डॉट डी ए देखो अपोजिट टू ईच अदर है, जबकि यहां पर पैरेलल टू ईच अदर है इन द सेम डायरेक्शन। तो यहां पर कॉस 180 होगा, यहां पर कॉस 0 होगा, इसलिए जो फ्लक्स एंटर्ड है वो माइनस साइन के साथ होगा और फ्लक्स जो बाहर आ रहा है वो प्लस साइन के साथ होगा। तो जब आप नेट फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो माइनस एंड द सेम लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी सेम फ्लक्स, और प्लस एंड द सेम लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी सेम फ्लक्स, तो दोनों ऐड होंगे तो 0। तो जो चार्ज क्लोज सरफेस से बाहर है वो नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वजह से जो फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं और जो इमर्ज आउट हो रही हैं वो सेम हैं, तो उनका जो एलजेब्राइक सम है वो 0 हो जाएगा। तो हमने कंक्लूड किया कि इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द क्लोज सरफेस देन इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस बिकॉज फ्लक्स एंटर्ड विल बी इक्वल टू फ्लक्स एक्सिटिंग। सो फ्लक्स में केवल वो चार्ज ही कंट्रीब्यूट करेगा जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर है, और इसीलिए हम इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड स्पेसिफाई कर देते हैं। जो बाहर चार्ज है वो क्यू इनक्लोज्ड में इंक्लूडेड नहीं है, क्यू इनक्लोज्ड ही इंटीग्रल ई डॉट डी ए यानी फ्लक्स कमिंग आउट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। तो हमने इस पॉइंट को भी कंक्लूड कर लिया दैट चार्ज आउटसाइड द सरफेस कंसीडर्ड एज द गॉसियन सरफेस विल नॉट कंट्रीब्यूट टू फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट क्लोज सरफेस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और बच्चे बहुत आराम से कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने चार्ज को सेंटर की जगह मान लीजिए साइड में रख दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जो लाइंस इमर्ज हो रही हैं इस चार्ज से फील्ड लाइंस, वो सब की सब बाहर आएंगी, चाहे वो सेंटर पर हो चाहे वो बाहर हो। तो पोजीशन ऑफ चार्ज इनक्लोज डज नॉट मैटर बिकॉज फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम द चार्ज क्यू विल कम आउट ऑफ द सर्फेस इन सेम नंबर वेदर द चार्ज इज एट द सेंटर और इट इज नियर द सर्फेस। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, फ्लक्स कमिंग आउट इज स्टिल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो क्यू कहां रखा है, इसका असर फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस इस पर नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो हम अगर दिमाग में रखेंगे तो हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो गलत होने से बच जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस क्लोज सरफेस के अंदर रखे हो तब क्या होगा? अगर एक से ज्यादा चार्जेस में मान लो इस सरफेस के अंदर प्लस क्यू और माइनस क्यू है, इस सरफेस के अंदर प्लस क्यू और प्लस क्यू है, तो बहुत सिंपल बात है, आपको जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस दैट मीन्स गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। एक चार्ज था तो एक रख रहे थे, दो चार्ज हैं तो विद साइन उनका नेट रिजल्ट एलजेब्राइक सम आप क्यू इनक्लोज पे रखेंगे। तो यहां पर क्यू माइनस क्यू हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड, और यहां पर क्यू प्लस क्यू हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड। तो आई होप कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, जितने भी चार्जेस हैं उनको साइन के साथ आप एलजेब्राइक सम उनका निकाल के और क्यू इनक्लोज्ड की जगह पर रख देंगे। अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट, हम गॉस लॉ को बहुत ध्यान से देखते हैं कि ये स्टेटमेंट में क्या क्या टर्म्स हैं, और एक बार जरा सम अप करते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, और वो कहता है, वो रिप्रेजेंट करता है नेट फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस। ठीक है ना, फील्ड लाइंस। इसमें ये जो डी ए है ये क्या है, गॉसियन सरफेस का छोटा सा एलिमेंट है, और गॉसियन सरफेस कैसी है, क्लोज्ड। ये क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के लिए है फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना है।
अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तो चार्ज इनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आप लिख रहे हो ना, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द क्लोज सरफेस। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसे भी याद में रह नहीं जाता और बच्चे कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को क्वेश्चंस काफी कैपेबल होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उन चार्जेस की वजह से नहीं होगी जो इनक्लोज्ड है सरफेस में, अगर बाहर भी चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फील्ड होगी सारे चार्जेस की वजह से, जबकि यहां हम सिर्फ इनक्लोज्ड चार्जेस रखेंगे। तो मान लो कि एक केस ले लेते हैं हम, ये एक स्फेरिकल सरफेस ली गॉसियन सरफेस, इसमें दो चार्ज इनक्लोज्ड है और तीन चार्जेस बाहर है। तो जब हमने इस फॉर्मूले को गॉस लॉ को अप्लाई किया तो जो इनक्लोज्ड चार्जेस है वहां तो हम सिर्फ Q1 और Q2 को ही रख रहे हैं साइन के साथ, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो रिजल्टेंट ऑफ Q1 माइनस Q2 Q3 Q4 एंड माइनस Q5 पांचों चार्जेस की वजह से जो फील्ड रिजल्टेंट होगी कहां पर, सरफेस के ऊपर, गॉसियन सरफेस के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ध्यान रखना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर कैलकुलेट होगी, गॉसियन सरफेस के ऊपर। जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट को हम और अच्छी तरह से इलैबोरेट करके समझेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी चार्जेस की रिजल्टेंट होगी, जबकि यहां हम केवल इनक्लोज चार्जेस रख रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूजन में रहना है कि सिर्फ इनक्लोज चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट फील्ड आएगी प्रेजेंट ड्यू टू चार्जेस प्रेजेंट देयर, ऑल द चार्जेस प्रेजेंट देयर, ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है, देखो इसी केस से हमको ये भी कंक्लूड हो रहा है। इन केस तुमको कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज जीरो, ये तुम्हें रिजल्ट दिया गया, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, इसका मतलब एप्साइलम नॉट तो जीरो है नहीं, उसकी तो फाइनाइट वैल्यू है, तो इसका मतलब चार्ज इनक्लोज्ड जीरो है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम कहेंगे कि अगर नेट फील्ड एट द सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस इज जीरो, सर्टेनली इट मींस दैट दिस टर्म इज जीरो, दिस टर्म इज जीरो मींस फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ गॉसियन सरफेस इज जीरो, और अगर ये जीरो है तो इसका मतलब कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन द सर्फेस इज जीरो, बिल्कुल आराम से। लेकिन अगर तुमको सिर्फ इतना दिया जाए नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सर्फेस इज जीरो, फील्ड नहीं कही गई, तुमसे कहा गया कि एक केस है जिसमें नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द गॉसियन सर्फेस जीरो है, और क्या तुम ये कंक्लूड कर सकते हो कि नेट फील्ड इज ऑल्सो जीरो? आप एक सेकेंड ले सकते हो सोचने के लिए, पर इसी केस में देखो, अगर नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस इज जीरो, तो वो तो तब भी पॉसिबल है ना जब Q1 और Q2 बराबर हो। अगर Q1 Q2 बराबर हैं तो यहां पर जब आप Q1 माइनस Q1 करेंगे तो चार्ज इनक्लोज्ड जीरो, चार्ज इनक्लोज्ड जीरो हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जीरो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये पूरी की पूरी फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस, वो जीरो हो जाएगी। लेकिन यहां पर ये तीन चार्जेस हैं और इनकी वजह से सरफेस पे फील्ड होगी, तो नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस इज जीरो डज नॉट इम्प्लाई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो जीरो। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक और केस भी है, देखो इस केस में क्या है कि हम एक वायर लेते हैं और ये वायर पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। इसको एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेके हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का।
तो अब वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था कि रेडियली आउटवर्ड निकलती है चारों ओर, मतलब बाहर भी आ रही है, लेफ्ट भी जा रही है, राइट भी जा रही है, ये रेडियली चारों ओर जा रही है। लेकिन तुम देखो कि कोई भी लाइन ऑफ फोर्स इस फ्लैट सरफेस को क्रॉस करके नहीं निकल रही है, इसके पैरेलल तो निकल जाएगी लेकिन इसको क्रॉस करके, इसको इसके थ्रू नहीं निकल रही है। और फ्लक्स कैसे आप डिफाइन करते हो? लाइंस ऑफ फील्ड्स क्रॉसिंग द सरफेस। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर की, उसे तो क्रॉस कर रही है लेकिन इस फ्लैट सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही है। तो अगर आप यहां पर फील्ड की डायरेक्शन देखो तो वो तो है ये, लेकिन एरिया वेक्टर कैसे बनाते हो? फ्लैट सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर और बाहर की ओर एरिया वेक्टर बनेगा। अब आप अगर ई डॉट डी ए निकालो तो ई डॉट डी ए, ई डी ए कॉस 90, यानी ये टर्म फ्लैट सरफेस के लिए जीरो है। तो फ्लैट सरफेस के लिए फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस जीरो है, लेकिन फील्ड कहाँ जीरो है? तो एक ये केस आपने देखा, एक ये केस आपने देखा कि अगर ये टर्म पूरा जीरो है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये भी जीरो है। ये पूरा टर्म जीरो है तो ये हो सकता है कि चार्ज इनक्लोज्ड जीरो हो, ये पूरा टर्म जीरो है तो ये हो सकता है कि फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लेकिन ये पूरा टर्म जीरो है तो ये कंफर्म बिल्कुल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। तो हमने इसको बहुत हाईलाइट करके लिखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड भी जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड जीरो है, फ्लक्स जीरो है, तो चार्ज इनक्लोज्ड जीरो हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म नहीं कहेंगे आप कि फील्ड जीरो है। क्लियर हो रही है बात? तो इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। यहां पर ये कंफ्यूज नहीं होना बेटा कि यहां पर चार्ज इनक्लोज जीरो नहीं है लेकिन ई डॉट डी ए इस सरफेस के लिए जीरो है, ई डॉट डी ए इस नीचे वाली सरफेस के लिए जीरो होगा लेकिन इस कर्व्ड सरफेस के लिए ई डॉट डी ए जीरो नहीं होगा। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो हम सीखेंगे कि ये जो क्लोज सरफेस के लिए हम निकालते हैं उसमें सरफेस के जितने हिस्से होते हैं सबके लिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो दो हिस्सों के लिए जीरो है पर इस हिस्से के लिए जीरो नहीं है। इसलिए इस केस में दो हिस्से के लिए जीरो है लेकिन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट जीरो नहीं है, इसलिए चार्ज इनक्लोज जीरो नहीं है। अगर टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ गॉसियन सरफेस जीरो हो, जैसे यहां है टोटल फ्लक्स जीरो है, तो चार्ज इनक्लोज जीरो होगा। ठीक, यहां पर तो हमने तुम्हें ये एग्जांपल बताया कि किसी सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स जीरो हो सकता है अगर ई और डी ए परपेंडिकुलर हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि फील्ड जीरो है। ई डी ए परपेंडिकुलर है, ये टर्म इसलिए जीरो हो गया। ठीक, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स धीरे धीरे याद होंगे, जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, अच्छे लॉजिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो ये पॉइंट्स हमको याद होते जाएंगे। अभी हम इन पॉइंट्स को समझते हुए लिखते चलते हैं। तो अब हम गॉस लॉ के डिफरेंट एस्पेक्ट से अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और अब हम रेडी हैं इसके एप्लीकेशन के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एप्लीकेशन को सीखेंगे कि इसे यूज कैसे करना है।